तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी यार। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ना कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते करते थक गए हैं, बहुत सारे वीडियो आपने अपलोड कर दिया बट आपके वीडियो पे यार व्यूज नहीं आते, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होते, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते हैं आपके चैनल पर, तो भाई आप क्या गलती है, क्या कमी है आपकी तरफ से जिसकी वजह से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप ही की गलती की वजह से ऐसा होता है जिनकी वजह से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आ पाते हैं। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई कौन सी ऐसी गलती आप लोग करते हैं ना जिनकी वजह से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। गाइस आज हमारे पास करीब 18,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। शुरुआत में हमने भी ऐसी गलती करते थे, तब हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं आते थे, बट जब हमने अपनी गलती पर सुधार किया ना, उसके बाद काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर डेली के डेली आ रहे हैं और आज करीब 18,000 के करीब सब्सक्राइबर चैनल पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो कौन सी गलती आप लोग करते हैं उसी को लेकर आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी आप लगे तो आप लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं कि भाई जो नए क्रिएटर होते हैं वो कौन सी गलती करते हैं अपने चैनल पर जिनकी वजह से उनके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो नए क्रिएटर होते हैं ना, वो अपने वीडियो में कौन सी गलती करते हैं जिनकी वजह से उनके चैनल पर सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो कहीं जो नए क्रिएटर होते हैं वो गलती ये करते हैं ना कि वो जब अपना वीडियो शूट करने स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले वीडियो में कुछ और नहीं बोलते हैं ना, सबसे पहले यही बोलने लगते हैं कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में घंटी को भी दबा दो। तो ये सब क्या है यार, आप ही सोचो, आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास जीरो सब्सक्राइबर है और आप जब वीडियो में सबसे पहले कुछ बताने से पहले अगर आप यही बोलने लगेंगे कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी को भी दबाओ, तो अगर आपके इस वीडियो को कोई नया क्रिएटर देखेगा ना, तो बिल्कुल भी आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, साथ साथ आपके वीडियो को भी नहीं देखेगा। वीडियो पे क्लिक तो करेगा बट थोड़ी सेकंड देखेगा, उसके बाद वीडियो को बंद कर देगा। गाइस वो खुद समझ जाएगा कि भाई ये बिल्कुल नए हैं और वीडियो में कुछ बताने से पहले सबसे पहले यही कह बताने लगे, यही मांगने लगे कि भाई हमें सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी को भी दबाओ। तो वो लोग समझ जाते हैं ना कि इनके पास जो कंटेंट है वो बिल्कुल बेकार का है, इन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है और ये वीडियो देखने का मतलब ये है कि टाइम बर्बाद करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, आपके वीडियो के स्किप कर देते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, जिससे आपके वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन होता है ना, वो ख़राब हो जाता है और आपकी वीडियो वहीं की वहीं रुक जाती है, बूस्ट भी नहीं होती है, साथ साथ सब्सक्राइबर भी नहीं इंक्रीज कर पाती है, मतलब वहीं रुक जाती है। तो सबसे पहले आपको ये सुधार करना है अपने वीडियो में कि वीडियो शूट करते वक्त शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी को दबाओ। अगर यार आपके कंटेंट में दम होगा ना, आपके वीडियो में दम होगा ना, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग वैसे ही आपकी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहली मिस्टेक ये आप लोग करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआत में हम भी करते थे बट जब से हमने सुधार किया ना, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो पहली मिस्टेक ये है। तो गाइस अब बात करते हैं कि भाई दूसरा काम आपको क्या करना है जिससे आपके चैनल पर डेली का डेली सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएँ, सब्सक्राइबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएँ। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जो दूसरा काम आपको करना है वो ये करना है कि जितने बड़े यूट्यूबर होते हैं लाइक टेक्निकल योगी, माई स्मार्ट सपोर्ट, मनोज दे, जुन्नू की टेक, ये सब बड़े यूट्यूबर हैं ना, तो इनके वीडियो को देखना है और वीडियो को देखने के बाद इनके वीडियो के कमेंट में आपको चेक करना है कि भाई कितने लोग कौन सा चीज़ ज़्यादा पूछे हैं, वो चेक करना है। अगर आप उसके बारे में आपको पता है जो लोग पूछे हैं उस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता है, तो आप वहीं रिप्लाई दे दें कमेंट में, उनको रिप्लाई में बता सकते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन ये होता है। अगर आपको रिप्लाई नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि मतलब कौन सी चीज़ लोग ज़्यादा पूछे हैं, तो उस पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे ना और वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक ज़्यादा लोग पूछे हैं, जिसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा कमेंट किए हैं ना, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना देना है, अपने चैनल पर अपलोड कर देना है। तो ये चीज़ करके देखो ना, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको, एक बार ट्राई ज़रूर करो। अब बात करते हैं कि भाई तीसरा काम आपको क्या करना है जिससे आपके चैनल पर व्यू सब्सक्राइबर आसानी से बढ़ते रहे लाइफ टाइम, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। भाई जो तीसरा काम आपको करना है वो ये करना है जिससे आपके चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे, व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, कंटिन्यू आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कंटिन्यू आपके व्यूज बढ़ेंगे। तो तीसरा काम आपको ये करना है ना कि आपको अपने YT स्टूडियो डैशबोर्ड पर चलना है, YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर चलना है, या फिर आप डेस्कटॉप मोड में अगर यूज करते हो कंप्यूटर पर, तो आपको अपने YT स्टूडियो डैशबोर्ड पर चलना है ना, और वहाँ आपको चेक करना है कि भाई आपके किस वीडियो से कितना सब्सक्राइबर मिला। कहने का मतलब यह है कि आपकी कौन सी ऐसी वीडियो है ना जिससे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, ये पता कर लेना है, और कितना सब्सक्राइबर मिला ये भी आपको वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। और साथ साथ में आपको ये देखना है कि कौन सी वीडियो है, किस टॉपिक पर वीडियो बनी है जिससे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर आए। तो सबसे पहले उसी टॉपिक पर
दूसरा वीडियो बना देना है, बिल्कुल सेम बनाना है बट थोड़ा डिफरेंस हो, सेम मत बनाइए, थोड़ा कुछ चेंज कर दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसी टॉपिक पे आपको दूसरा वीडियो बना देना है। साथ साथ जब उस वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो जब आप थंबनेल बनाएंगे ना, तो थंबनेल में कुछ ऐसा लिखना कि भाई एक वीडियो से इतना सब्सक्राइबर हमें मिले, ऐसा कुछ आपको लिख देना है। ये दो तीन काम जो हमने बताया है, अगर आप ये करना स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पर ना, तो 100% यार आपकी वीडियो पर सब्सक्राइबर, व्यूज, सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ आपका वीडियो रैंक कर जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।